हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं भेल पूरी बनाने जा रही हूँ, सूखी भेल। सबसे पहले हम सूखी चटनी बना लेते हैं। ये हरा धनिया है, इसको हम थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहे हैं, और इतना सा पुदीना पत्ता है, और इसमें आधा इंच करीब अदरक है, इसको काट लिए हैं, और दो लहसुन करी है, और चार सूखी हरी मिर्च है, इसको हम डाल रहे हैं, और एक चम्मच जीरा पाउडर है सूखा, जिसको हम ड्राई रोस्ट कर लिए थे और पीस लिए हैं, और एक चौथाई कप चना है, इसको हम छिलका निकाल लिए हैं, इसको डाल रहे हैं। चना भुना वाना है, इसका हम पूरा छिलका निकाल लिए हैं। एक चौथाई चम्मच काला नमक है, इसको भी हम डाल रहे हैं, और अब हम पीस लेते हैं इसको। हमने सूखी चटनी दरदरा पीस लिया है अच्छे से, और अब हमने एक गंजी लिया है, और इसमें सबसे पहले हम एक टमाटर है, इसको हम छोटे छोटे कट कर लिए हैं और डाल रहे हैं, इसका बीज निकाल लिए हैं, और एक प्याज है, उसको भी हम छोटे छोटे कट कर लिए हैं और डाल रहे हैं, और एक मीडियम साइज का आलू है, इसको हम उबाल लिए हैं और छिलका निकाल के इसके छोटे टुकड़े करके डाल रहे हैं, और एक मिर्ची है, इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ा किए हैं और डाल रहे हैं, और आधे चम्मच काला नमक है, इसको भी हम डाल रहे हैं, और एक केरी है कच्चे आम का, इसको हम थोड़ा किस लिए हैं और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। अब अच्छा से हम मिला लेते हैं इसको। आधे चम्मच जीरा पाउडर है, इसको भी हम डाल लेते हैं, और जो सूखी चटनी मिलाए थे इस बनाए हैं पीसे हैं, इसको भी हम पूरा डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा हम अच्छा से पहले मिला लेते हैं। हमने दो कप मुर्रा लिया है, इसको हम एक चम्मच तेल डाले कढ़ाई में, और मीठा नीम का बघार लगाए, और थोड़ी सी नमक और हल्दी डाल के हम इसको अच्छा से भून लिए हैं, ताकि अच्छा कुरकुरा हो जाए करके। अब हम इसमें थोड़ी सी मिर्चा डाल रहे हैं, मसाला वाला चना दाल है, इसको भी हम डाल रहे हैं, फल्ली है, उसको भी हम अच्छे से मसाला में भून लिए हैं, और बारीक सेव है, इसको हम डाल रहे हैं, और हम ये पापड़ी लिए हैं, इसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं। और इसको अच्छा से मिला लेते हैं। एक चम्मच चाट मसाला है, इसको भी हम डाल रहे हैं, और नींबू आधा का रस है, अच्छा निकला तो हम इतना ही डाल रहे हैं, और अच्छा से हम पूरा मिला लेते हैं। हमने सबको अच्छा से मिला लिया है, और अब हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम अनारदाना से गार्निश कर लेते हैं इसको। बारीक सेव डाल रहे हैं, और धनिया पत्ती कटा हुआ डाल रहे हैं। हमारा भेल पूरी बन के तैयार है, सूखा भेल पूरी। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और खाने में भी बहुत चटपटा है। इसको तुरंत बनाना चाहिए और खाना चाहिए, नहीं तो नरम हो जाता है, नरम होने के बाद अच्छा नहीं लगता है, और जब कभी भी भूख लगे या कोई अचानक दोस्त वगैरह आ जाए तो आराम से बना सकते हैं और खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। बनाइएगा, खाइएगा, और अपना अनुभव मेरा गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। टेस्टी, बाय।